Hi, today we are going to learn ER model to relational model translation. In ER model, there is an entity and its relation. So, अगर किसी entity type को relational schema में convert करना है, तो उसमें क्या है? Relational schema. तो relational schema जो है, वो इसका structure show करता है. एंटिटी का, तो अब ये बुक एक एंटिटी है और ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं. तो अगर इसका रिलेशनल स्कीमा में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे बुक, दैट इज एंटिटी, और उसके बाद इसकी प्राइमरी की. तो ISBN प्राइमरी की था, इसके अंदर अंडरलाइन है तो इट इज प्राइमरी की. फिर उसके एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? टाइटल, प्राइस एंड ईयर. So this is relational schema of book. और इसको आप table relation में भी show कर सकते हैं. तो ये सारे attributes आपके table में आ जाएंगे. और इसके instances आप create करेंगे. तो instances mean इसकी वैल्यू, जैसे ISBN किसी बुक की आपको डिटेल लिखनी है तो उसका ISBN नंबर कुछ होगा 00012131, इस फॉर्मेट में ISBN नंबर रहता है. अब बुक का टाइटल फॉर एग्जांपल C++, प्राइस इसकी $200 एंड ईयर 2016. सो दिस इज टपल एंड दिस इज दी आपका जे कॉलम क्या होता है, एट्रीब्यूट. तो इस एंटिटी टाइप का इस तरीके से आप रिलेशनल स्कीमा बना सकते हैं. अब वीक एंटिटी टाइप टू रिलेशन कैसे आप बना सकते हैं? द प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी टाइप कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी की ऑफ स्ट्रांग एंटिटी टाइप एज फॉरेन की एंड इट्स ओन पार्शियल की. हमेशा जब भी वीक एंटिटी टाइप की हम बात करते हैं तो वो आइडेंटिफाई होता है किसे, स्ट्रांग एंटिटी से. फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक जो है वो एक स्ट्रांग एंटिटी है एंड इट मे हैव सम एडिशन लाइक इंटरनेशनल एडिशन और इंडियन एडिशन, सो इट हैज सम एडिशन. तो एडिशन जब आप इसमें एंटिटी टाइप मेंशन करते हैं कि एडिशन इज एंटिटी टाइप, तो अगर आप देखें कि एक एडिशन कोई प्राइमरी की नहीं होता, क्योंकि एक एडिशन आइडेंटिफाई होता है किससे, बुक से. सो दिस इज बुक, दिस इज वीक एंटिटी एंड दिस इज स्ट्रांग एंटिटी. और आइडेंटिफाई होता है जब वीक एंटिटी, उसको इस तरीके से आप डबल वॉल में मेंशन करते हैं. तो एडिशन का, जैसे एडिशन नंबर सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, इस तरीके से मेंशन होता है. तो ये एडिशन नंबर एक्चुअली आपका क्या है, पार्शियल की है. तो इसको इस तरीके से डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे. टाइप भी मेंशन कर सकते हैं इसका एट्रीब्यूट, और ये हमेशा बुक से ही ड्राइव होगा. और बुक के बाद जैसे ISBN है की, और सेम ऐसे ही टाइटल आपका एक एट्रीब्यूट है, प्राइस एक एट्रीब्यूट है, और ईयर भी आपका एक एट्रीब्यूट है. सो एडिशन इज वीक एंटिटी और ये स्ट्रांग एंटिटी बुक पे डिपेंड करता है. और टोटल पार्टिसिपेशन यहां होगा कि एडिशन तभी रिलीज हो सकता है जब वो बुक पहले से ही मेंशन हो. जरूरी नहीं एक बुक के कई एडिशन है, इसलिए ये जो है यहां पे टोटल डिपेंड, टोटल पार्टिसिपेशन मैंने नहीं शो किया है. अब इसका रिलेशनल स्कीमा जब हम लिखेंगे तो रिलेशनल स्कीमा की डिफिनेशन हमने मेंशन की है कि ये आपका जो स्ट्रांग एंटिटी है इसका प्राइमरी की जो है एडिशन रिलेशनल स्कीमा में शो होगा. अब वो कैसे शो होगा? जैसे एडिशन आपका ये है, इसका स्कीमा आपने मेंशन किया, तो वो क्या होगा? एक तो आप स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की लेंगे एज अ फॉरेन की
एंड एडिशन नंबर जो कि पार्शली की है, और उसका टाइप। तो ये एडिशन का रिलेशन स्कीमा है। सो इन दिस मेथड वी कैन शो हाउ ईआर मॉडल कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू रिलेशन मॉडल। सो हियर वी हैव टेकन ओनली टू एग्जांपल्स, एंटिटी टाइप एंड वीक एंटिटी टाइप कन्वर्जन टू रिलेशन। सम अदर्स आर देयर ऑल्सो। थैंक यू।